वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। सो आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत से लोग पूछते हैं कि विजी कूलर और रेफ्रिजरेटर यानी स्टेनलेस स्टील वाले रेफ्रिजरेटर में फ़र्क क्या है, और विजी कूलर रेफ्रिजरेटर यानी जो ग्लास वाला जो देख रहे हैं आप, इसमें और इस वाले में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो में और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा कि इसमें क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या रख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं विजी कूलर और रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में देख रहे हैं आप और ये ग्लास में देख रहे हैं। सो पहला मेन इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि हम जो अगर ये विजी कूलर लेते हैं, मान लें ये विजी कूलर जो ग्लास वाला आप देख रहे हैं इसको लेते हैं, दोनों को कैपेसिटी सेम है तो इसको लेते हैं, तो इसमें मोस्टली लोग क्या रखते हैं मैं बता देता हूँ। मोस्टली लोग इसके अंदर जैसे कोल्ड ड्रिंक, केक्स वगैरह जो भी जो कि विजिबल है, जैसे मान लो सपोज करो मुझे कुछ ऐसा आइटम चाहिए जैसे क्लाइंट्स को रख रखा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, अब कोल्ड ड्रिंक कोक वहाँ पे रखा है, पेप्सी यहाँ रखा है, लिमका यहाँ रखा है, तो हमें दिख रहा है, तो जस्ट इसमें क्या है कि ओपन किया और वो आइटम जो भी था पिक किया और बंद कर, इसे क्या होता है एनर्जी बचती है, जैसे कि अब जो भी देखा उसे फटाफट पिक के निकाल लिया, बट ये क्लोज है, अब हमें ये नहीं पता कि लिमका कहाँ पे है, पेप्सी कहाँ पे है और या व्हाटएवर जो भी आइटम हमें चाहिए वो कहाँ से निकालना है, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे है, तो इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है हमारा जो कोल्ड होता है वो लॉस करता है और जिसके कारण एनर्जी फिर से उसको वो कम मतलब टेम्परेचर बनाने में टाइम लग जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये हो गया। दूसरी चीज़ ग्लास का इसलिए लिया जाता है क्योंकि पब्लिक यानी हम या कस्टमर जो भी है उसको प्रोडक्ट देख के आराम से देख सके और देख के वो इजीली पिकअप कर ले, और इसका प्लस में टेम्परेचर रहता है 0 to 10, इसका हम माइनस में कर सकते हैं। अब दोनों में मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है कि ये इसके अंदर कॉइल के थ्रू कूलिंग दी गई है और इसके अंदर एयर के थ्रू कूलिंग दी है, मतलब हवा को सर्कुलेट किया जाता है इसके अंदर कूलिंग मेंटेन करने के लिए। ये ग्लास है, ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट हो सकता है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे हम हाइट इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज करते हैं, सेम इसमें भी है कि हम लोग ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये हुक होता है जो कि लगता है इसके ऊपर इस तरीके से और इसके ऊपर प्लेट लग जाती हैं। तो एक ये हमारा मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज कि इसका हम लाइट ऑन करते हैं, सो अब लाइट के साथ यहाँ पे लुक आ जाता है, जैसे कि हमें कुछ आइटम को और ज़्यादा फैंसी दिखाना हो, तरीके से दिखाना हो, जैसे केक्स हो गए, बहुत से लोग केक्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक के लिए, आपने देखा ही होगा हर शॉप्स पे, तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें विजिबल रहे। अब सपोज करो आपको कुछ ऐसे आइटम है जैसे मान लो घी हो गया या क्रीम पॉकेट हो गया, तो उसको विजिबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या सब्जी वगैरह जो कि मतलब हमें दिखाना नहीं है, शो के लिए नहीं है, और उसको हम रख सकते हैं इस टाइप में, जैसे चीज़ हो गया जो पिघले ना, तो इस जगह रख सकते हैं, और इसमें हम माइनस में भी ले सकते हैं, लाइक -18 degrees तक भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई मीट आइटम हो गई जो कि फ्रोजन करना है, फ्रोजन आइटम हो गई, तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये फोर डोर होता है, क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर, अब ऊपर इसके इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर होता है इसके ऊपर होता है अपर साइड में फैन और कंप्रेसर वगैरह, बट इसके अंदर नीचे होता है सारा सिस्टम, इसके अंदर दिया जाता है जिसके कारण ये अपर साइड में जाता है और एयर कूलिंग चलती है। इसके अंदर फैन लगा हुआ है, मैं फैन दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन है, इस फैन से कूलिंग होती है और ये कूलिंग पूरा मेंटेन करता है 0 to 10 degrees, और ये देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो मैंने कंप्रेसर की बात करी थी इसमें तो नीचे कंप्रेसर लगा रहता है और इसके ऊपर ऊपर में कंप्रेसर लगा रहता है, ये देख सकते हैं आप कंप्रेसर है, देखें देखिए ये कंप्रेसर है और वोरा कंप्रेसर, ये फैन है, तो यहाँ से कूलिंग बन के ये पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप जो है ये जो पाइप के थ्रू इसके अंदर कूलिंग होती है और ये पूरी बॉडी में कूलिंग होती है, तो जाके पता लगता है, जैसे ये पूरा बॉडी कॉइल से ये बना हुआ है, कॉइल से वो लगा हुआ है, ये पूरी बॉडी में बर्फ जम जाएगा एंड देन ये इसको कूल रखेगा, तो ये काइंड ऑफ आपका डीप फ्रीजर की तरह काम करता है और ये माइनस में भी ले सकते हैं, बट इसका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ जो विजी कूलर है इसका टेम्परेचर सिर्फ 0 to 10 जाएगा। इस विजी कूलर के अंदर हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 10 तक हम रख सकते हैं टेम्परेचर, यानी 10 degrees तक।
ठीक है, बट लेकिन हम इसके अंदर हम लोग माइनस में भी जा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में। इसमें दो तरह की आती है, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, फोर डोर रेफ्रिजरेटर, फोर डोर फ्रीजर। सो फ्रीजर जो है वो माइनस में जाता है, रेफ्रिजरेटर जो है वो प्लस में रहता है। यहां से ऑन होता है, यहां से ऑन होता है और यहां से हम सेट कर सकते हैं टेम्परेचर। वैसे ही यहां पे है, यहां पे हम सेट कर सकते हैं टेम्परेचर। जैसे अभी ये 10 है, हमें और कम करना है, ये कम हो रहा है, सेट हमने 5 डिग्री सेट कर दिया। अभी 25 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, 5 डिग्री होने के बाद ये बंद हो जाएगा। इसके साथ भी यही सिस्टम है सारा का सारा, कि जैसे टेम्परेचर बना लेगा ये, वैसे ही ये बंद हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, ये नहीं कंटिन्यू चालू रहेगा। और सबसे एक और जो प्लस पॉइंट है, ये 6.6 किलोवाट लोड लेता है 24 घंटे ये चलने के पे, 6.6 किलोवाट लोड लेगा 24 आवर्स में विजिकुलर, और ये लेगा 8 किलोवाट 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे चलने के बाद। तो ये चीज़ है मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, स्टेनलेस स्टील में है और ये ग्लास में है। तो ये आज टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा कि विजी कूलर लें या रेफ्रिजरेटर लें, और रेफ्रिजरेटर लें तो क्यों लें, फ्रीजर लें क्यों लें, और विजी कूलर लें तो क्यों लें। तो मेन डिफरेंस यही है दोस्तों, इसके बारे में और कुछ नहीं है कुछ ज़्यादा। इसके बहुत से मॉडल्स आते हैं, जैसे ये 1000 लीटर है, इसमें 600 लीटर भी है, हमारे पास 400 लीटर भी है, 400, 600, 1000 लीटर, इसमें भी हमारे पास टू डोर फोर डोर आता है। अब ये फोर डोर है, 1, 2, 3, 4 फोर डोर हो गया, अब इसी का हाफ कर लेंगे तो ये टू डोर हो गया। तो टू डोर और फोर डोर ही लेने का फ़ायदा है, इसके अलावा इससे छोटा लेने का इसका कोई फ़ायदा नहीं, इससे बढ़िया आप डीप फ्रीजर ले लो। और विजी कूलर जो है एक छोटा आता है, वो जस्ट फॉर नॉर्मल पर्पज़ के लिए हो जाएगा, नॉर्मल काम के लिए, छोटे आइटम रखने के लिए। तो ये जो मेजर डिफरेंस है वो जो मैंने अभी बताया है इसको, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे बाकी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप वो ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you.